हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आपको वन प्लस सिक्स फोन के कैमरा और उसके प्रो मोड के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। डीएसएलआर जैसा फोटो कैप्चर करने के लिए सिंपल स्टेप्स के थ्रू, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कैमरा की नॉर्मल मोड है। इस पर आपको टाइमर, फोटो रेशियो और फ्लैश ऑप्शन को एक तरफ देख सकते हैं और दूसरी तरफ वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और नाइटस्केप मोड देख सकते हैं। इसमें आप नॉर्मल फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, सब कुछ ऑटो फोकस्ड रहता है। अब आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको मैनुअली सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि फोकस, एक्सपोजर, आईएसओ। इन सभी चीज़ों को एनवायरनमेंट के अनुसार सेट करने से आप डीएसएलआर जैसा फोटो कैप्चर कर सकते हैं। इसे करने के लिए पहले आपको कैमरा के प्रो मोड पर जाना है। प्रो मोड जाने पर आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। इधर एक तरफ आपको पहले सी जैसा ऑप्शन मिलेगा, इसकी मदद से आपने चेंज करी सेटिंग्स को सेव करके रख सकते हैं और अगली बार आप जब कैमरा ओपन करोगे तो डायरेक्टली फोटो ले सकते हैं, सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको रॉ ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन की मदद से आप रॉ फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। रॉ फोटोज कैप्चर करने से आपको उस इमेज को एडिट करते टाइम आसान होता है, क्योंकि उस इमेज पर कोई भी इफेक्ट्स नहीं रहता है। और इसके बाद आपको टाइमर देखने को मिलेगा, इसकी मदद से आप टाइम सेट कर सकते हैं फोटो क्लिक करने के लिए। इधर आपको 3 सेकंड से 10 सेकंड तक का ऑप्शन मिलेगा और इसके बाद आपको स्क्रीन की साइज को चेंज करने की ऑप्शन मिलेगा। इधर आपको 4:3 ऑप्शन, उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन कितना बड़ा मिलेगा। और इसके बाद फुल स्क्रीन ऑप्शन मिलेगा, इससे पूरा स्क्रीन से आप फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। और इसके बाद आप 1:1 रेशियो पर सेट कर सकते हैं, इससे आप स्क्रीन पर एक छोटा बॉक्स देख सकते हैं। अब मैं स्क्रीन को 4:3 रेशियो पर रखता हूँ और आप टॉप में पहले एक्सपोजर ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर टैप करने से आप इधर देख सकते हैं, ये अब ऑटो पर है। जैसे ही मैं इसे ऊपर करता हूँ तो आप इधर देख सकते हैं ब्राइटनेस ऐड हो रहा है और इसे नीचे करते ही ब्राइटनेस लो होता है। इससे आप लो लाइट इमेज कैप्चर करने में यूज कर सकते हैं, जैसे कि नाइट टाइम पे या कहीं पर कम लाइट होता है, उधर आप इस सेटिंग्स का यूज करके ब्राइटनेस या एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको फोकस एडजस्टिंग ऑप्शन मिलता है, इधर आप फोकस को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आप ऊपर नीचे करके किस पर कितना फोकस करना चाहते हैं उसे सेट कर सकते हैं। और इसमें आप चाहे तो एक ऑब्जेक्ट पर फोकस को लॉक कर सकते हैं। इसे करने के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके होल्ड करना है। इस तरह करने से आप देख सकते हैं फोकल पॉइंट एडजस्ट होता है। और इसके नीचे आप शटर स्पीड देख सकते हैं, इससे आप जब यूज कर सकते हैं तब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, बाइक या जैसे कि बहुत मूवमेंट्स होती है तब आप शटर स्पीड को सेट करके इमेज कैप्चर कर सकते हैं। इसके नीचे आपको व्हाइट बैलेंस ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप इमेज की टोन या सराउंडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ऊपर करने से कूलर टोन्स दिखाता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ब्लूइश हो गए हैं। इसे आप इंडोर फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं, जैसे घर के अंदर ट्यूबलाइट्स या किसी भी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे करने से आप येलोइश देख सकते हैं, वार्म इफेक्ट देता है। इससे आप आउटडोर फोटोग्राफी में जैसे कि क्लाउडी डेज में यूज करके इमेज कैप्चर कर सकते हैं। और इसके बाद आप इधर आईएसओ ऑप्शन देख सकते हैं, इसकी मदद से आप कितने अमाउंट ऑफ लाइट को यूज करना चाहते हैं उसे आप इधर सेट कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं आईएसओ को 100 सेट करने से थोड़ा डार्क होता है और वन प्लस सिक्स में आपको इधर 3200 तक आईएसओ ऑप्शन मिलता है। इधर आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शन को मैनुअली एनवायरनमेंट के अनुसार सेट करके फोटो कैप्चर करोगे तो डीएसएलआर जैसा फोटो मिलता है अपने फोन में ही। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर दो माय डियर फ्रेंड्स।